दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RSDM Rider 904.4 पर। आप लोग खुश हैं, आपकी खुशी बढ़ाने के लिए फिर से लेके आ गए हैं एक नया वीडियो नई बाइक के साथ। बात जो हमारे बाइक लेके आए हैं आपके लिए, बाइक तो हमारी पुरानी जो 30 सितंबर को जो लॉन्च हुई थी, जो मैंने उसका इवेंट ज्वाइन किया था और उस समय जो है कुछ मेजर प्रॉब्लम थी जो कि बताई गई थी, तो उसी को जो है अभी फिर से जो है बाइक लॉन्च किया गया है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर गया पूरी तरीके से। वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं कि नहीं हुई हैं, तो हमारे पास जो बाइक अवेलेबल है N150, और ये देख सकते हैं हमारे पास जो बाइक खड़ी हुई है, इसी की जो लॉन्चिंग हुई है अभी कुछ वक्त पहले, और इसी जो है बाइक का जो हम रिव्यू लेके आए हुए हैं। पहले इसका रिव्यू हम बनाएंगे वीडियो, उसके बाद में हम आपके लिए राइडिंग वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे पास जो बाइक खड़ी हुई है अभी, हमारे पास ये जो है ब्लैक कलर में खड़ी हुई है, और इसी का जो है मैं आपको रिव्यू दूंगा। इसमें जो मेजर प्रॉब्लमें जो थी उतने समय पर, जो अभी अपडेट जो दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है, मैं सारी बातें आपको बताऊँगा। तो आगे का आपको लुक दिखा देता हूँ। आपका आगे का लुक दिखने में सेम नज़र आता है, और हमें जो इसकी लाइट देखने को मिल जाती है, DRL लाइट देखने को मिल जाती है, और ये LED प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है। तो मैं इसकी एक बार चाबी ऑन करता हूँ, तो देखता हूँ चाबी ऑन करने पे वो लाइट हमें डायरेक्ट जलती हैं कि नहीं जलती हैं। तो मैं एक बार चाबी ऑन करता हूँ, नहीं अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई है। आप देख सकते हैं मैंने चाबी ऑन की, ऑन करने के बाद में जो हमारी DRL लाइट और जो LED लाइट जो है नहीं जली हुई है। तो मैं जब यहाँ से बाइक स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करने पर ही हमारी शायद वो जब बाइक जलेंगे, तो मैं यहाँ से एक बार स्टार्ट करता हूँ। ये बाइक जब हम स्टार्ट करते हैं तभी जो है हमारी आगे की लाइट जलती है, ऐसे बाइक में जो हमारी लाइट नहीं जलती है। ये प्रॉब्लम थी एक जो ये अभी सॉल्व नहीं की गई, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी वो भी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा। बाकी आप आगे का लुक देख सकते हैं, दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव बेहतरीन लगता है, जो मार्केट में जो ज़बरदस्त बवाल धमाल मचा रखा है। और ये जो मार्केट में जैसे आई थी वैसे ही इसकी जो है सेल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बढ़ गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सस्पेंशन इसके दिए हुए, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमें दोनों देखने को मिल जाते हैं। ब्रेक इसकी दी हुई है काफ़ी हाई भी और बल्की दी हुई है, और ये हमारी जो बाइक है ABS के साथ में आती है। और यहाँ पे डिस्क कैलिबर जो दिए हुए डबल पिस्टन के साथ में हमारी बाइक आती है, जो बाइक राइडिंग है वो ज़बरदस्त हमको मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टायर है वो हमें MRF का देखने को मिल जाता है। इसके टायर की साइज़ की हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं 90-90-17, और अलॉय व्हील का साइज़ जो है 17 इंच का दिया हुआ है। तो ये जब बाइक हम राइड करेंगे, तो राइड करने में जो इसका मैंने देखा, इससे पहले जो मैंने बाइक लॉन्च हुई थी उसका राइड किया था, वो काफ़ी अच्छा मतलब ज़बरदस्त रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमें रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे इसकी पेट्रोल टैंक की, इसके जो पेट्रोल टैंक आप देख सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा अपडेट नहीं किया गया है, जैसे पहले वाली N150 में था वैसे ही N150 में इसमें भी दे रखा है यहाँ पे। और इसका जो देख सकते हैं जो ब्लैक कलर शाइनिंग ग्लॉसी में जो दिया हुआ है, काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो बाइक है E20 के साथ में हमारी बाइक आती है, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आती है इसमें हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चार्जिंग पोर्ट N150 में जो पहले वाली में दिया हुआ था वैसे अभी भी इसमें दिया हुआ है, ये सबसे अच्छी चीज़ इसमें दे रखी है। और बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा हम इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं हमारी जो बाइक है, देखा जाए तो मतलब सेल्फ के साथ साथ में हमें जो देखने को मिल जाती है किक के साथ में जो बाइक होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। अगर हमारा कभी सेल्फ ख़राब होता है तो ये किक हमारा जो है बहुत ही ज़बरदस्त साथ देने वाली है यहाँ पे। और बाकी हमारे ये देख सकते हैं सिंगल हॉर्न के साथ हमारी जो बाइक आती है। एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसकी एक बार मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ, मतलब सिंगल हॉर्न के साथ में जो इसकी आवाज़ है वो काफ़ी बेहतरीन और लाउड है इसकी आवाज़। मैं यहाँ से चाबी बंद कर देता हूँ। और आपका जो एग्जॉस्ट देख सकते हैं अंडर कवर एग्जॉस्ट दिया हुआ है, मतलब जो हमारा ये आप देख सकते हैं इस साइड का जो लुक है स्पोर्ट में, दिखने में तो हमारी बाइक पूरी पूरी स्पोर्टी दी हुई है, लेकिन जो इसका स्पोर्ट लुक जो ऐसे एग्जॉस्ट काफ़ी यहाँ तक आता था दिखने में, वो इतना मज़ा नहीं आता था, लेकिन इसकी वजह से ये बाइक जो है पीछे का लुक दिखने में और भी काफ़ी अट्रैक्टिव और बेहतरीन नज़र आता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पीछे का आप टायर देख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है हमें, जो पीछे का टायर देखने को मिल जाता है नायलॉन का जो है MRF का टायर देखने को मिल जाता है। और इसके साइज़ की हम बात करते हैं, थोड़ा सा टायर मैं ऊपर करता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ 120-80-17 का जो हमारा टायर देखने के लिए मिल जाता है। और बाकी हमें पीछे जो है उस बाइक में जो इससे पहले लॉन्च हुई थी उसमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलती थी, लेकिन हमें इसमें जो है देखने के लिए मिल जाती है डिस्क ब्रेक के साथ में। ये जो है पिलियंस फोटेज देखने को मिल जाते हैं, और ये जो है राइडिंग फोटेज देखने के लिए मिल जाता है। ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो है पीछे जो डिस्क ब्रेक ऑयल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा ऑयल कितना है इसी में साफ साफ आपको दिखाई देगा। और पीछे का जो सस्पेंशन हमें देखने के लिए मिल जाता है, मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर और ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। और पीछे का लुक आपको दिखा देता हूँ, पीछे का लुक आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है N150 का। और मैं जो एक बार इसकी चाबी ऑन करता हूँ, देखता हूँ इसकी जो लाइट है बाइक की जो है, अगर हम चाबी ऑन करते हैं अभी जलती है कि नहीं जलती है, स्टार्ट करने पर जलती है, ये भी एक प्रॉब्लम थी उसमें।
और देखते हैं इसमें सॉल्व हुई है कि नहीं। तो मैं एक बार चाबी ऑन करता हूँ, नहीं अभी जो है नहीं जली। तो मैं जब बाइक स्टार्ट करूँगा तभी जो हमारे पीछे की लाइटें हैं वो जलेंगी। तो एक बार मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, पीछे की जो हमारी टेल लाइट है बाइक हमारी जो है स्टार्ट करने पे जलती है। तो मैं एक बार थोड़ा ब्रेक पे पैर रखता हूँ या हाथ लगाता हूँ, देखता हूँ उसकी जो लाइट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। ये हमारी जो लाइट है थोड़ी सी बढ़ती है। तो मैं थोड़ा इंडिकेटर दिखा देता हूँ, हैलोजन इंडिकेटर हमें दोनों के लिए देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे। चाबी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और बाकी हमारा यहाँ पे देख सकते हैं नंबर प्लेट के लिए दे रखा है और टायर हाइगर हमें दे रखा है कीचड़ से बचाने के लिए। जो पिलियंस बैठेगा तो ज़्यादा उसको जो है मतलब कीचड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अभी जो है हमें यहाँ पे पीछे देखने को मिल जाता है मतलब साड़ी गाड़ी, इसमें अभी जो है सेटअप नहीं किया गया है। तो हमें जो है रिव्यू के लिए बाइक जो मिली हुई है तो मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ। तो इसमें साड़ी गाड़ी अभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जब आप ये बाइक परचेज करेंगे तभी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे का मैंने सस्पेंशन आपको बता दिया। जो पीछे की हमारी चैन दी हुई है तो ओरिंग वाली चैन दी हुई है। ये ओरिंग वाली चैन बहुत ही ज़बरदस्त चैन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें जो देखने के लिए मिल जाते हैं, ये पीएम फोटेज देखने को मिल जाते हैं, ये हमारा राइडिंग फोटेज देखने को मिल जाता है। ये जो हमारी बाइक है फिफ्थ गियर के साथ में आते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साफ साफ लिखा हो 1 2 3 4 5 1N और बाकी जो है अब जो है दिया हुआ है। मतलब जब इंजन देख सकते हैं ब्लैक कलर का दिया हुआ, फुल्ली जो है बजाज का यहाँ पे जो है ब्रांडिंग दी हुई है और दिखने में भाई काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। और हमारे इंजन को जो है सेफ्टी यानी कीचड़ से बचाने के लिए बरसात में ये देखिए जो है प्लास्टिक का दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ, काफ़ी मजबूत यहाँ पे है। ये जो हमारा इंजन है फुल्ली ब्लैक है। यहाँ पे जो है पेट्रोल टैंक पे देख सकते हैं पल्सर की जो है हमें यहाँ 3D ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो मैं इसका एक बार हैंडल बार आपको दिखा देता हूँ, हैंडल बार में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमें हाई लो बीम पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारी M की बटन दी हुई है, ये सेटिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्प्ले पे अभी जब मैं चाबी ऑन करूँगा तो डिस्प्ले भी आपको दिखाऊंगा। ये हमें इंडिकेटर के लिए देखने के लिए मिल जाते हैं राइट और लेफ्ट के लिए। इसका जो हॉर्न की आवाज़ मैं आपको सुना चुका हूँ, ये सिंगल हॉर्न हमें देखने को मिल जाता है। और ये हमें जो है इंजन को ऑन ऑफ करने के लिए, इंजन को बंद करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और ये हमारा स्टार्टर दिया हुआ है, जब बाइक हम स्टार्ट करेंगे एक ही सेल पे हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमें देखने को मिल जाता है, ये डिस्क ऑयल देखने को मिल जाता है। और बाइक को मैं एक बार चाबी ऑन करता हूँ, मैं इसका आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ, डिस्प्ले देखने में कैसा आपको नज़र आता है। तो मैं यहाँ से एक बार चाबी ऑन करता हूँ, ये देखिए जो डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाती है हमें काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जो पहले वाली बाइक हमारी थी जो N150 लॉन्च किए थे उसमें जो मीटर दिया हुआ था उसमें राउंड करके दिया हुआ था। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ज़रा पास में, इसको बंद कर देता हूँ। जो हमारी N150 जो है सितंबर में जो मैं लॉन्च इवेंट में गया था तो इसका जो मीटर कंसोल दिया हुआ था, ये मीटर कंसोल दिया हुआ था, इसको ऐसे दिया हुआ था। इसमें जो हमें इस मीटर में देखने को मिल जाता है, पूरा देख सकते हैं जो मीटर हमारा है ये डिजिटल मीटर कर दिया गया है वाइट कलर में। ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है, मतलब जो N150 जो सितंबर लॉन्च हुई थी उससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव कर दिया गया है। और जो हमारी जो बाइक है ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूटन का जो है सिंबल दिया हुआ है और ये हमारा ABS का दिया हुआ है, ये इंजन के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। और बाकी जो मैं थोड़ा ट्रिप चेंज करता हूँ, यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये हमारा जो स्विच दिया हुआ है M का, तो मैं यहाँ से एक बार स्विच ऑन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा पल्सर लिख के आ रहा है, फिर मैं एक बार ट्रिप करता हूँ, चेंज करता हूँ, ये देखिए IFE और ये है DTE और यहाँ पर आप देख सकते हैं AFE और ये देखिए ट्रिप D, यहाँ साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। और ये हमारा जो है फ्यूल के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर सेटिंग और बाकी हमारा जो है यहाँ पे गियर शिफ्टिंग के लिए दिखाई दे रहा है, हमारा कितना फ्यूल है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये हमारी जो है टाइम देखने के लिए मिल जाता है और ये बाइक हम कितने की स्पीड में राइड कर रहे हैं ये हमें जो है ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज़ इसमें दी गई है और यही चीज़ इसमें जो है चेंजिंग की गई है N150 में जो अभी जो है 2023 में सितंबर में जो लॉन्च हुई थी और ये जो अभी आई हुई है जनवरी में, और इसमें ये चेंजिंग दी हुई है। तो इस बाइक को मैं चाबी बंद कर देता हूँ। तो बात करते हैं इसके इंजन के, इसका इंजन आप देख सकते हैं जो पूरा ब्लैक कलर का देखने को हमें मिल जाता है, 149.68 cc का जो है इंजन देखने को मिल जाता है। और बाकी इसके मैक्स पावर की बात करते हैं 14.3 BHP पे 8500 RPM पे जनरेट करता है। और बाकी इसके मैक्स टार की बात करते हैं जो है 13.5 Nm यानी 6000 RPM पे जनरेट करता है। ये जो हमारी बाइक है 5 गियर के साथ में हमारी बाइक आती है और इसका जो माइलेज हमें मिलने वाला है वो लगभग 47 या 50 का माइलेज मिलने वाला है, कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है, वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसकी जो टॉप स्पीड की बात करते हैं 115 किलोमीटर है, मतलब एयर कूल्ड इंजन दिया हुआ है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ में आती है, BS6 फेज 2 वाली ये हमें बाइक देखने को मिल जाती है बस। और बाकी इसकी जो है हम सीट हाइट की बात करते हैं तो इसकी जो सीट हाइट है वो 790 हमें देखने को मिल जाती है। जो मेरी हाइट है वो 5'8" है, तो मैं इस पर एक बार बैठ के आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी हाइट के हिसाब से ये बाइक
कैसी लगती है। तो मुझे 5-8 होने के बाद में जो मैं इस बाइक पर बैठता हूँ, मेरे पैर अभी भी लग रहे हैं, जो कि डबल स्टैंड के साथ में हमारी बाइक खड़ी हुई है। मतलब इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो ज़बरदस्त दिया हुआ। अगर हम इसको लंबा राइड करते हैं 100-200 किलोमीटर, तो इतना ज़्यादा जो हमें जो पीठ में रीढ़ में दर्द होने वाला है वो दर्द नहीं होगा। स्पोर्ट लुक में है, ज़बरदस्त बाइक दी हुई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को जो है मैंने इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और इसके जो प्राइस की बात करते हैं, इसका जो प्राइस है, मतलब इसमें जो 7,000 रुपये बढ़ाया है वो सिर्फ जो है डिजिटल मीटर की वजह से इसमें बढ़ा दिया गया है। अभी जो है इसमें देखा जाए जो लाइट जो हमारी थी जब चाबी ऑन करते थे, जो मेजर प्रॉब्लम उसमें थी, जो सितंबर में 2N150 जो लॉन्च किया था वही प्रॉब्लम अभी भी है। और जो जब चाबी ऑन करते हैं, जब पीछे की टेल लाइट की बात करते हैं, वो भी हमारी जो है बाइक जब हम स्टार्ट करते हैं तभी जो है जलती है, ऐसे नहीं जलती है पीछे की टेल लाइट हमारी। जो हमारी सितंबर में N150 जो लॉन्च किया था तो उस बाइक का जो प्राइस था 142,705 रुपये ऑन रोड प्राइस था, और जो उसका एक्सोरूम प्राइस था वो था 118,541 रुपये। और जो अभी हमारी ये बाइक जो हमारे सामने खड़ी हुई है, और इस बाइक का जो प्राइस है, मतलब जो उसमें 7,000 रुपये बढ़ गया है, वो हमारा हो गया 149,976 रुपये। और एक शोरूम की बात करते हैं तो 125,000 रुपये हो गया है इसका जो है एक शोरूम प्राइस। तो ये चीज़ इसमें दी हुई है, इसमें जो है जो चेंजिंग की गई है उसका सिर्फ 7,000 रुपये बढ़ा गया। अगर मेरा तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये आप बाइक परचेस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे जो है ऑनर का नंबर या यहाँ पे जो है अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा और जो है एड्रेस दे दूँगा, वहाँ से आप इसका नंबर निकाल के जो है कॉल करके यहाँ पर आ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।